देखिए आज का ये जो प्रोटेस्ट है, जैसे मेरे साथी उदय साहब ने भी बता दिया, आज सारे मुल्क में किसान मजदूर नौजवान असफा डीवाईएफआई बेरोजगार आशा आंगनवाड़ी सड़कों पर निकले हैं। इस ये जो आरएसएस बीजेपी लेड सरकार है, जो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, अंधी सरकार है, जिस चीज़ को लेकर इन्होंने वोट ले लिए आवाम से, उन्हीं चीज़ के खिलाफ मतलब कानून बनाए जा रहे हैं। 3 कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए, जिससे किसानों का ज़मीन भी चला जाता है, उनका पैदावार भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, और ये मतलब कॉरपोरेटों के हवाले किया जा रहा है सारा ज़रात। एक बात, हम उसके खिलाफ़ हैं और आज 8 महीने से उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है सारे मुल्क में। हम चाहते हैं कि सरकार उन फाइटिंग फार्मर्स के साथ बात करे और इन काले कानून को वापस ले। एक बात, दूसरा जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन बिल पास की पार्लियामेंट में, तमाम बेचा, बस एक तो ना इलेक्ट्रिसिटी बेच डाली। हम चाहते हैं कि उसको वापस लिया जाए। उसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने मजदूरों के खिलाफ जो उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़कर हुकूक हासिल किए थे, उनको बदल दिया, तरमीम करके और उनके हुकूक महदूद कर दिए, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, हम चाहते हैं कि उस तरामीम को वापस लिया जाए। इसी चीज़ को लेकर हम आज यहाँ भी खड़ा हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और कश्मीर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर और सारे मुल्क में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इस वक्त ये एहतजाज हो रहा है इस सरकार के खिलाफ, इस अंधी और इनसेंसिटिव सरकार के।